दोस्तों नमस्कार भाई, सेना खेले थे। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों अभी जो है कि क्रोशिया जाने की तैयारी चल रही है और सामान वामान जो है कि खरीद रहे हैं, और जो है कि वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है, इसकी वजह से जो है कि यहीं से जो है जैकेट टी शर्ट वर्ट खरीद ले रहे हैं, गर्म कपड़े, ताकि वहाँ जाने के बाद जो ठंडी पड़ रही है उससे निपटा जा सके और ठंडी में जो है कि आराम से ठंडी में बीते, कोई दिक्कत ना हो, ठंडी ना लगे। तो और बाकी सब ठीक है यहाँ पे। जो मेरे दोस्त यार जो सब्सक्राइबर हैं, जो भी क्रोशिया जाना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, जो भी बंदे जाने वाले हैं गर्म कपड़े लेके जाएं, यहाँ से सस्ता पड़ेगा, वहाँ पे बहुत महंगा है। तो आज आप लोग को दिखाऊंगा कि मैंने आज क्या ख़रीदारी की है। तो अभी वीडियो बनाता हूँ उसका भी और आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है? आप लोग वीडियो में बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। दोस्तों आज मैंने खरीदा हूँ एक रूम हीटर, देखिए ये रूम हीटर और बजाज कंपनी का है, 2 साल की वारंटी है और अच्छा है, गर्म खूब देता है, बहुत अच्छा का बहुत ज़्यादा गर्म करता है रूम। अगर रूम एक है बंद है कमरा तो इसका हीटिंग बहुत ज़्यादा है, आपको ठंडा नहीं लगेगा, ऐसे बिना कमरे और बिना कंबल का, ऐसे बिना रजाई का काम हो जाएगा। और देखिए ये वाला बजाज वाला जो है, ठीक है, ये बजाज का लिया हूँ मैं रूम हीटर, क्योंकि घर वालों के लिया हूँ, क्योंकि अभी तो वहाँ जाने के बाद जो है कि हम लोग को वहाँ पे तो रूम हीटर मिलता है और यहाँ लोगों को नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा इन लोग को बचने के लिए ठंडी रूम हीटर लेते हैं। इसकी प्राइस है यहाँ पे देखिए 2499 पर, डिस्काउंट के साथ हमको मिल गया है, 2000 रुपये का मिल गया है। तो और एक जूता ले लिया हूँ कैंपस का, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जूता खरीदाना पड़े, तो एक कैंपस का जूता लिया हूँ। और यही सब चल रहा है ख़रीदारी, और बाकी टी शर्ट वर्ट ले लिए हैं सब ऑलरेडी पहले से, जैकेट भी ले लिए हैं यहीं से, और मेरे तो मुझे तो कंपनी दी है और ऑलरेडी वहाँ पे और 2-3 जैकेट कंपनी ने दे रखी है, अभी हमको मिला नहीं क्योंकि हम यहाँ पे चले आए थे, और वहाँ जाएंगे तो और मिलेगा हमको जैकेट, तो 2-2 कंपनी जो है कि 2-2 जैकेट दी है, और तो वहाँ जाने के बाद जो है कि जैकेट मिलेगा हमको, कंपनी हमको प्रोवाइड कराएगी, लेकिन फिर भी हम अपने रास्ते के लिए और कुछ जैकेट और कुछ सामान ले रहे हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, जैकेट हो गया, शू हो गया, मोजा हो गया, और खाने पीने का जो सामान है वो ले रहे हैं। तो अगले हफ्ते हमको जाना है, निकलना है, तो अभी काफ़ी समय है, 1 हफ्ते और समय है, तो इससे पहले हम तैयारी कर रहे हैं अपना जाने के लिए, ताकि जाते समय जो है कि पूरी तैयारी अच्छे से कर लें और जो है कि कोई सामान हमारा ना छूटे, इसीलिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। और जो है कि बढ़िया है, ठीक है, बस आप लोग की दया है, चल रही है, छुट्टी भी हमारा बीतने वाला है, छुट्टी भी निकल गया अभी, ज़्यादातर जो है कि मालूम भी नहीं चला हमारा कैसे 1.5 महीना निकल गया है। और जो है कि और मेरे सब्सक्राइबर और जो दोस्त हैं बहुत हैं जो क्रोशिया पहुंच चुके हैं, वो लोग बार बार पूछ रहे हैं कब क्रोशिया आ रहे हैं, कब क्रोशिया आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहाँ इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए, तो चलेंगे क्रोशिया तो मिलेंगे उन लोग से। आप लोग को तो वीडियो के माध्यम से मालूम चल जाएगा कि कब हम आ रहे हैं, तो आप लोग जो है कि जो जाने वाले दोस्त यार वो अपना जो कि ध्यान रखिए, जो भी वीजा प्रोसेसिंग का टाइमिंग है और जिसका वीजा सबमिशन हो गया है वो तैयार हो जाए पहले से ही, और जिसका नहीं हुआ है जो होने वाले हैं वो भी तैयार हैं। दोस्तों जो है कि मेरे अधिकांश सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कब आ रहे हैं, तो आने की तैयारी तो चल रही है, और जो है कि आप लोग की दया से आप लोग का जो है बहुत मेहरबानी है, अच्छा खासा हम लोग का जो है कि छुट्टी बीत गया, और यहाँ से तो भी ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया आप लोगों के बीच में, लेकिन जितना बना उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्रोशिया जैसे पहुँचेंगे वैसे ही आप लोग के बीच में वीडियो बना के और लाएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि इस समय जो क्रोशिया में कैसा माहौल है और क्रोशिया कैसा है। तो ज़्यादातर इस समय जो है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, टेम्परेचर -माइनस में है, और वहाँ पे जो है कि आइस भी पड़ रही है,
तो बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आइस ज़्यादा पड़ती है और बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आइस नहीं पड़ती है। तो आप लोग जो है कि हमारे वीडियो में बने रहिए और बता दें कुछ जानकारियाँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है कि बहुत से ऐसे चेंजेस आएंगे। लोग जाने वाले बहुत हैं, बहुत जा रहे हैं, तो बहुत क्रोशिया का जो है कि बहुत डिमांड है वर्करों की। तो आप हमेशा तैयार रहिए और जो है कि अपना डॉक्यूमेंट जो है ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ और आप लोग को बताएंगे एक नई जानकारियाँ। हाँ ठीक है, ओके, तब तक के लिए नमस्कार।